गुड इवनिंग माई ऑल फ्रेंड्स, माई नेम इज प्रियंका, बायो ऑक्यूपेशन आई एम ए स्मार्ट वैल्यू एसोसिएट, आई बिलोंग टू मोतिहारी इन बिहार। जैसा कि देखा जाए तो हम लोग का होमवर्क मिला हुआ था कल का एग्रोलाइजर एटीट्यूड के बारे में, एग्रोलाइजर एटीट्यूड कैसे इसको डाला जाता है और इसके क्या क्या बेनिफिट हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि एग्रोलाइजर छिड़काव के द्वारा भी इसको किया जाता है और खेत में मिट्टी में भी इसको डाला जा सकता है। और इसको छिड़काव करने में जैसे कि 15 लीटर पानी हो गया और 30 मिली इसमें से दवा एग्रोलाइजर मिला करके इसको छिड़काव करना चाहिए। उससे फसल अच्छी होती है और हरी होती है और फसल इससे बहुत ज़्यादा निकलने का चांस रहता है। और इसके फ़ायदे का बात किया जाए तो देखा जाए कि इसको फ़ायदे बहुत सारे, इसका बेनिफिट हैं। इसको धान में यूज कर सकते हैं, गेहूं में यूज कर सकते हैं, धान की खेती, गेहूं की खेती में इसको यूज किया जाता है, साग सब्जी की खेती में भी इसको यूज किया जाता है। और आजकल के खेत में जो मिट्टी हो रही है सो और खाद पदार्थ की वजह से थोड़ी सी कड़वी हो जा रही है मिट्टी, तो उसको डालने से, एग्रोलाइजर एटीट्यूड को डालने से खेत की मिट्टी भी बहुत हल्की हो जाएगी और वहाँ से फसल भी बहुत अच्छे से उग पाएगी और सारे जितने भी फसल होंगे उसके जड़ और हरियाली बहुत ही हरा भरा होता है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।